अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, दिस मीन्स gif, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड है ये, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ पाई बाय 2x व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में हमें बताना है, चेक डिफ्रेंसिएबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, कहां कहां चेक करना है पहले वो तो बताओ। तो कहां कहां चेक करना है बताओ खुद। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 1 पे, तो भाई ये पूरा अपना डेफिनेशन ही चेंज कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे चेक करेंगे हम लोग। अब उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन को देखा, ऊपर वाले फंक्शन को देखा तो इसके अंदर मॉड दिखा, मॉड के अंदर वाला चीज जहां जहां जीरो होता है वहां तो चेक करना ही पड़ेगा। बताओ 2x माइनस 3 कहां जीरो होगा व्हेन x इज इक्वल टू 3 बाय 2 होगा। चलो 3 बाय 2 पे भी चेक कर लेंगे। सिमिलरली उसके बाद एक और चीज दिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब बताओ भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां जीरो होगा, तो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 एक बार हम लोग लिख चुके हैं। ये क्यों किया, इंटीजर एक्सेप्ट 1 क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी लिख चुका है, तो इसलिए हमने बोल दिया ऑल इंटीजर। यानी तो तुम्हें ऐसे लिखने का मन है कि इंटीजर कॉमा 3 बाय 2, तो यू कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, इस पॉइंट पे है, ऊपर वाले में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आते हैं नीचे वाले, साइन पाई बाई 2x। तो हमें पता है कि साइन के ग्राफ को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके मतलब हमें कहां कहां चेक करना होगा, 1 पे चेक करना होगा, 3 बाई 2 पे चेक करना होगा, और ऑल इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 1 पे चेक करना होगा। तो एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। अब बताओ x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन अलग अलग हो रहा है। अब क्या इसको डिफरेंशिएशन से हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता है, तो हमने भी छोड़ दिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन से किया ही नहीं। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आता है, बोलेंगे हाँ नीचे वाले को डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन से करने के लिए हमें सबसे पहले 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना होता है। क्या 1 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखो एफ ऑफ 1 माइनस कितना है, एफ ऑफ 1 माइनस कितना है, 1 से छोटा वैल्यू लेंगे तो साइन पाई बाई 2 डेट इज 1। एफ ऑफ 1 प्लस कितना है बताओ, एफ ऑफ 1 प्लस कितना है, तो 2x माइनस 3 का वैल्यू 1 प्लस पे कितना आएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस, जो कि आने वाला है 2 माइनस 3 का मॉड कितना होगा 1, और 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, डेट इज इक्वल टू 1, और f ऑफ 1 भी एग्जैक्टली सेम इतना ही होने वाला है। ठीक है, इससे क्या पता चला, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। चलो बढ़िया है, x इज इक्वल टू 1 पे अगर कंटिन्यूअस आ गया तो बताओ x लेस देन 1 के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करके काम चला सकते हैं क्या। तो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक पार्ट डिफ्रेंशिएट करना आसान हो तो हम लोग एक पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट करके काम चला सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4x लेस देन 1 f डैश x कैलकुलेट किया, कितना आएगा बताओ, साइन पाई बाई 2x का डिफरेंशिएशन कितना आया, कॉस पाई बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। ठीक है, अभी बताओ f डैश 1 माइनस कितना आएगा, तो f डैश 1 माइनस कैलकुलेट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो हमें ये पता चला f डैश 1 माइनस कितना होने वाला है, 0, और f डैश 1 माइनस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHD। x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक कर रहे थे, सबसे पहले हमने चेक किया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हमें मिला फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसके बाद x लेस देन 1 के लिए हमने क्या लगा दिया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हमने वैल्यू चेक कर दिया। अब बताओ x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, बोलेंगे नहीं। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4x ग्रेटर देन 1 क्या करेंगे, RHD कैलकुलेट करेंगे। RHD कैसे कैलकुलेट होता है, सबको पता है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस fx माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब बताओ fx कितना है 1 प्लस पे, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला फंक्शन है पूरा, मॉड ऑफ 2x माइनस 3
मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। माइनस एफ ऑफ वन कितना है, तो एफ ऑफ वन हमने कैलकुलेट किया था, एफ ऑफ वन विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, इसका लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस। अब बताओ जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड दिखता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रल वैल्यू लिख दो और मॉड को खोल दो। तो वन प्लस पे इसका वैल्यू कितना आएगा, तो हमें पता है वन प्लस हो या वन माइनस हो, टू एक्स माइनस थ्री विल ऑलवेज बी ए नेगेटिव नंबर। जब टू एक्स माइनस थ्री एक नेगेटिव नंबर होगा तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस से, डेट इज थ्री माइनस टू एक्स से मॉड खुला। और वन प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना, वन होगा, तो इंटू वन हो गया, ठीक है। माइनस वन एक अलग से लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये हमारे पास कितना आया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस थ्री माइनस वन, डेट इज फोर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब दिख रहा है यहां से माइनस टू कॉमन आ जाएगा, माइनस टू कॉमन, थ्री माइनस वन डेट इज टू माइनस टू एक्स, सॉरी, थ्री माइनस वन डेट इज टू माइनस टू एक्स, माइनस टू कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस वन कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आर एच डी कितना आया, माइनस टू। अब बताओ एल एच डी कितना आया था वन पे, जीरो। आर एच डी कितना आया, माइनस टू। इसका मतलब वन पे कैसा हो गया, नॉन डिफ्रेंसिएबल। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे ये वाला फंक्शन कैसा, नॉन डिफ्रेंसिएबल। हमने एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कर लिया। अब अगली बारी किसकी, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक लौता सिर्फ टू एक्स माइनस थ्री इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री का मॉड इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और थ्री बाई टू कैसा है, ग्रेटर देन वन है, तो इसलिए हमने बोला फोर एक्स ग्रेट इज इक्वल टू थ्री बाई टू, फंक्शन तो हमारा ये है। अब थ्री बाई टू पे दिख रहा है कि मॉड के अंदर वाला चीज साइन चेंज करेगा, और थ्री बाई टू कितना होता है एग्जैक्टली, 1.5। अब बताओ 1.5 के प्लस में जाओ या 1.5 के माइनस में जाओ, मतलब क्या है कि 1.5 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लो या 1.5 से थोड़ा छोटा नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आने वाला है, बोलेंगे वन। 1.5 का प्लस का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.5 माइनस का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इसका मतलब इसको डायरेक्टली 1 लिख दिया जाए, बोलेंगे हाँ। तो एफ एक्स को हमने डिफाइन किया, 3 बाई 2 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये मॉड प्लस से खुलेगा, तो 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 बाई 2, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू तो 1 है। सिमिलरली 3 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 3 बाई 2 और इज इक्वल टू थ्री बाई टू कहीं भी लगा सकते हैं। फिर से ये फंक्शन दिखा, अब या तो थ्री बाई टू पे एल एच डी आर एच डी निकाल लो या फिर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो। क्यों, क्योंकि यहां तो फंक्शन ही पता है हमें, बहुत सारा इजी सा फंक्शन है, तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है थ्री बाई टू पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया। एफ डेस एक्स क्या आ गया, टू माइनस टू वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू यूज नहीं करेंगे, ग्रेटर देन थ्री बाई टू लेस देन थ्री बाई टू। इससे क्या पता चला, एफ डेस ऑफ थ्री बाई टू प्लस कैसा आ गया, टू। एफ डेस ऑफ थ्री बाई टू माइनस कैसा आ गया, माइनस टू। कैसा हो गया फंक्शन, नॉन डिफरेंसिएबल एट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है। तो वन पे हमने चेक किया, वन पे भी हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंसिएबल आया, थ्री बाई टू पे चेक किया उस पे भी हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंसिएबल आया, ठीक है। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस वन पे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन फिर से मैं लिख रहा हूं, यहाँ फंक्शन क्या था अपना, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड साइन पाई बाई टू एक्स, ठीक है। ये था व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और ये था व्हेन एक्स इज लेस देन वन। अब देखो हम लोग चेक कहाँ करने जा रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट वन, लेकिन यहाँ पे लोचा है, ठीक है। अब कोई इंटीग्रल वैल्यू लो, सपोज टू, एक्स इज इक्वल टू टू पे अगर चेक करना है तो हमें फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये। लेकिन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक करना है तो हमें फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये। दिख रहा है कि वन फोर, मतलब ये वाला चीज भी किस पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, फोर इंटीजर लेस देन वन,
फॉर इंटीजर लेस देन वन, जितने भी इंटीजर है वन से छोटे, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, लाइक जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये सारे इंटीजर जो दिख रहे हैं ये कैसे हैं, वन से छोटे। इन सारे इंटीजर के लिए हमारा फंक्शन कैसा होगा, साइन ऑफ पाई बाई टू एक्स। और साइन पाई बाई टू एक्स कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है क्या, तो हमारा आंसर आएगा नहीं। तो हमने बोल दिया सारे इंटीजर लेस देन वन वाले पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल इंटीजर लेस देन वन। ठीक है, अब हमें कहां चेक करना पड़ेगा, फॉर इंटीजर ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन नहीं लिया क्योंकि इक्वल टू वन पे हमने चेक कर लिया है। फॉर इंटीजर, फॉर इंटीजर आई लिखा हुआ, आई ग्रेटर देन वन, फॉर आई ग्रेटर देन वन फंक्शन अपना कैसा, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब हमें यह पता है कि आई एक्स, आई अगर वन से बड़ा है तो आई एग्जैक्टली है क्या, कैसा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस टाइप का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मॉड हमेशा कैसा साइन से खुलेगा, प्लस साइन से। क्यों, क्योंकि मॉड को प्रॉब्लम कहा था थ्री बाय टू पे, और टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे नंबर कैसे हैं, थ्री बाय टू से बड़े हैं, और थ्री बाय टू से बड़ा नंबर लेंगे तो मॉड किससे खुलेगा, प्लस से। तो हमने एफ एक्स को थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया, फॉर इंटीजर ग्रेटर देन वन, टू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब बताओ फॉर इंटीजर ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल टू ले लो, सपोज दिमाग में टू लेके चलो या थ्री लेके चलो, जो लेके चलना है चलो, उस पे क्या होने वाला है, ये वाला चीज तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी, और ये वाला चीज क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि सारे इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल कैसा होगा, बोलेंगे कुछ नहीं बताया जा सकता है, इसके लिए हमें स्पेशली चेक करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया हर एक इंटीजर पे। अभी मेन इंटीजर तो हमारा ग्रेटर देन वन ही है, लेकिन अभी हम लोग टू थ्री कुछ भी दिमाग में ले चलते हैं। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आई, एक्स अगर आई से बड़ा होगा तो वैल्यू कैसा आएगा, टू एक्स माइनस थ्री इंटू आई आएगा, क्योंकि आई प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है, आई होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई प्लस विल बी इक्वल टू आई, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई माइनस कितना होगा, दिमाग लगा के बोलना, आई माइनस वन। आई का मतलब सपोज टू है एक नंबर, टू से कोई बड़ा नंबर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होने वाला है, टू, लेकिन टू से कोई छोटा नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होने वाला है, वन। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि आई प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आई, एंड आई माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, आई माइनस वन, व्हेन एक्स इज लेस देन आई। ठीक है, एग्जैक्टली आई पे क्या होगा, ये वाला चीज होने वाला है। ठीक है, तो ये चलो, अब इस आई को आई आई देख के अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज आई इज इक्वल टू थ्री या फोर, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन क्या अपना कंटिन्यूअस है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं भाई कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा क्या, बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर ग्रेटर देन वन। ठीक है, कैसा हो गया, कैसे, क्योंकि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर लेस देन और ग्रेटर देन वन, जितने भी ग्रेटर देन वन इंटीजर है सब पे ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक, इसको भी हमने देखा।